प्यारे विद्यार्थियों, आज अध्याय पांच दी जान पहचान। अध्याय पांच जो है यह भी अध्याय चार की तरह कुछ रेखा चित्रां दे नाल संबंधित है, जिस विच जो कुछ पिछे आप रिविजन कर चुके हैं वही सवाल हैं और कुछ उस तो वध इस विच होर जोड़े गए हैं। पहला आप इसते वेख लेंदे हाँ कि इस विच केड़े केड़े सवाल आपां नूं आउणे हन और उस दिया कुछ मुढ़ली जानकारी पहले आप होनी चाहिए है, उस तो बाद ही अपना ये एक्सरसाइज हल कर सकते हाँ। तो कुछ गल्लां जो तुहानू हमेशा याद रखने चाहिए हैं इस अध्याय से, जेकर स्टार्टिंग तुसीं पढ़ना शुरू कर दे तो इस विच दिता गया है कि रेखा खंड एक रेखा का एक निश्चित भाग हुंदा है। जिवें तुहानू पहला पिछले आप अध्याय विच पढ़िया सी कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं हुंदा, और जो इस विच दस्सिया गया कि रेखा खंड रेखाखंड के जिसके दो अंत बिंदु होंगे इस विच ए बी, जेकर आप रेखा कहीए तो ए बी इस साइड से भी निश्चित दूरी तक इसको बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी, पर जेकर आप रेखाखंड की गल करते हैं तो सिर्फ ए तो लैके बी तक एक रेखाखंड होगा और यह रेखा का एक निश्चित भाग होंदा है। रेखाखंड के बिंदु के विचकारली दूरी जो होंगी है इसको रेखा की लंबाई कहते हैं। यह 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 हो सकता है, अलग अलग रेखा दे अलग अलग लंबाइयां हुंदियां हन। रेखाखंड की तुलना जेकर आप एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड नाल तुलना करते हाँ, मतलब एक रेखाखंड यह है दूसरा रेखाखंड इत्थे ये दिता होया है, तो आप इसकी तुलना किस बेस से कर सकते हैं? यह लाइन की मोटाई तो इसकी तुलना नहीं होंगी कि इसकी लाइन वड्डी है छोटी है, इसकी लंबाई देखी जाती है कि लंबाई ए पॉइंट तो बी तक किन्नी और सी तो डी तक किन्नी है, तो लंबाई के आधार से इन्हों की तुलना की जाती है। इस तो बाद आता कोणा के उपर कि कोण किन्ने तरह के होंगे, जिवें तुहानू दस्सिया सी कि एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का कोण बनाउंदा है, जां अपने दीवार ते कड़ी होंगी है कि मिनटां वाली सूई इत्थों 12 तो शुरू हो के वापस पूरा चक्कर कट के जो 12 ते पहुँच जी तो 360 का कोण बनाउंदी है। इस तरह जेकर पूरा चक्कर 360 का हुंदा है, इसका अद्धा चक्कर जो हुंदा है उसनों सरल कोण कहा जाता है। सरल कोण किन्ने का हुंदा? 180 डिग्री का, ये उपर डिग्री का निशान लाया जाता इससे। उसका चौथा हिस्सा यानी कि समकोण, समकोण का माप किन्ना हुंदा है? 90 डिग्री, और पूरे कोण का 180 डिग्री। जेकर कोण का नाप 90 डिग्री तो घट हो, जेकर 90 तो घट हो उसनों की कहते हैं न्यून कोण। जेकर कोई कोण 90 का हो तो उसनों समकोण कहते हैं, 90 तो घट हो न्यून कोण उसनों कहते हैं। जेकर किसी का कोण का नाप समकोण तो वध अते सरल कोण तो घट हो, यानी कि 180 तो घट अते समकोण तो वध हो, इसनों एक जिहड़ा कोण कहाउंदा है अधिक कोण। अधिक कोण किहड़ा हुंदा? जो 90 तो वड्डा है, वड्डा है 90 तो, और जो छोटा है 180 तो छोटा है तो वह अधिक कोण हुंदा है। इस तो अगे लिखा गया कि रिफलैक्स कोण सरल कोण अते वड्डा, सरल कोण तो वड्डा अते संपूर्ण कोण तो छोटा। संपूर्ण कोण कि हुंदा है? अपना पूरा 180 का जो रिफलैक्स कोण हुंदा है वह 180 तो वध अते 360 तो घट हुंदा है। जेकर दो काटवीं रेखावां आपस में लंब होंदियां हन तो उन्हां दे विचकार उन्हां दे विचला कोण 90 डिग्री होगा। दो रेखावां काटवीं हैं, जिवें पहले आप काटवीं रेखावां इस तरह कीतियां सी, पर इस विच कहा गया कि जेकर दो काटवीं रेखावां इस तरह होणगियां तां इह कोण इसके उपर लंब होगा 90 डिग्री का होगा। इस तो अगे दिता गया कि रेखाखंड का लंब समतुभाजक उस रेखा उत्ते लंब हुंदा है, उसनूं दो बराबर भागां विच वंडदा है। जेकर आप किसी रेखा के उपर लंब समतुभाजक बना दईए तां उह उसनूं दो बराबर भागां विच वंडदा है।
इस तो अगे और इस विच आ गया है त्रिभुज बारे कि त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तिना कोणों का जोड़ 180 होता है। जेकर तिने कोण इसके 90 डिग्री तो घट हो कहते हैं न्यून कोणी त्रिभुज। जेकर तिने कोण एक कोण इन्हों के 90 डिग्री का हो इसनों की कहते हैं समकोणी त्रिभुज। जेकर एक कोण 90 डिग्री तो वध हो इसनों की कहते हैं अधिक कोणी त्रिभुज। इस तरह ही यह तो कोण के आधार से त्रिभुज की तुलना से। इस तो बिना इस भुजावां के आधार से भी त्रिभुज की तुलना की जाती है। जेकर इस दिया तीनों भुजावां अलग अलग होन तां उसनों की कहते हैं विखमभुजी त्रिभुज। जेकर तिना भुजावां की लंबाई इस तरह इस विच है इसकी अलग है इसकी अलग और इसकी अलग इसनों की कहते हैं विखमभुजी त्रिभुज। जेकर इस दिन दो भुजावां बराबर होन तां फिर की कहते हैं इसनों मान लो इस तरह है त्रिभुज इस दिया ये दोनों भुजावां बराबर हैं इसनों की कहते हैं सम दो भुजी त्रिभुज। जेकर इस दिया तिना भुजावां की लंबाई बराबर होवे तां इसनों मान लो इस तरह है तिना भुजावां की बराबर है तो इसनों की कहते हैं समभुजी त्रिभुज। इस दिया तिना भुजावां की लंबाई बराबर है। बहुभुजां के नाम उन्होंने जो भुजावां की गिनती के आधार पर किए जाते हैं। जेकर तीन भुजावां हैं तो उसनों त्रिभुज कहते हैं। चार होंगे तो चतुर्भुज, पांच होंगे तो पंचभुज, जे छे है तो छेभुज, जेकर अठ है तो उसनों अठभुज। जो चतुर्भुज होंगे है इसके अलग अलग कई प्रकार होंगे जिमें कि चतुर्भुज एक आयत भी चतुर्भुज है क्योंकि इस विच भी चार भुजावां हैं। आयत के सन्मुख भुजावां की लंबाई बराबर होंगी है। ये लंबाई इसके बराबर होगी ये इसके बराबर होगी। इसके जो विकर्ण होंगे इन्हां विकर्णों की लंबाई बराबर होगी। इसका हरेक कोण का नाप ये जिहड़े कोण हैं इन्हां का कोण के 90 डिग्री का होगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बराबर भागों में वंडते हैं यानी कि दो भाग बराबर करते हैं। इस तो अगे समानांतर चतुर्भुज इसके सरमुख भुजावां की लंबाई बराबर होंगी है। इसके सरमुख भुजावां समांतर होंगे हैं और इसके सरमुख कोण बराबर होंगे हैं और इसके विकर्ण वख-वख लंबाई के होंगे हैं। इन्हों समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज ये तो सी अपना आयत। समानांतर चतुर्भुज इस तरह के होवेगे जिसके सामने के कोण बराबर होणगे। ये आमने सामने के भुजावां समांतर होणगियां एक दूसरे उपर नहीं कटणगियां और इन्हां दे सन्मुख कोण बराबर होंगे हैं। विकर्ण की लंबाई वख-वख होंदी है। इसकी लंबाई घट होएगी इसकी लंबाई ज़्यादा होगी और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के विच ही अगला रूप है वर्ग। वर्ग की होंदा है जिस दियां सारे भुजावां की लंबाई बराबर होंगी है। जिहदे विकर्ण की लंबाई बराबर होंगी है। कोण सारे 90 डिग्री के होंगे हैं और इस दे उपर जे इसके सम विकर्ण एक दूसरे को समकोण से विभाजित करते हैं। समकोण यानी कि 90 डिग्री के उपर इसनों वंडते हैं। एक चतुर्भुज में सन्मुख भुजावां का एक जोड़ा समानांतर होवे समलंब चतुर्भुज कहाउंदा है। जेकर समानांतर होवे समांतर होंदा है तो वह समलंब चतुर्भुज कहाउंदा है। इस तो बिना होर भी अगे जो इस विच कुछ जरूरी गल्लां जो आपां सवालां दे नाल नाल करदे जावांगे ये जो कुछ तुहानूं जाण पहचान दे विच करवाया गया है ये गल्लां याद रखण योग हन। इन्हां नूं अपनी कापी विच नोट करो ताकि तुहानूं अगे आउण वाले सवालां दे विच कोई समस्या ना आवे। धन्यवाद।